हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, जो कि आपके बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर में है और जिसका सब्जेक्ट कोड होने वाला है BP301T। और यहां पर आपका हर डाउट होगा क्लियर विद योर अमेजिंग नोट्स विद द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, जो कि आपको मदद करेंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में और साथ ही साथ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे और भी मजबूत। सो आर यू रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन चैंपियंस? सो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। Today we will teach you B Pharma third sem pharmaceutical organic chemistry BP301T is theory classes. Structure and uses of DDT, saccharin, BHC and chloramine. इनके बारे में आज हम आपको बताएंगे structure and uses of DDT. DDT की फुल फॉर्म क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। DDT डाई क्लोरो ट्राई क्लोरो एथेन, दिस इज कॉल्ड DDT। डाई का डी लिया, इस डाई का डी लिया और ट्राई का टी लिया, तो इससे बना DDT। अब है क्या है, इसकी स्ट्रक्चर देखिए, CCl3 सिंगल बॉन्ड CHA, ये दो Cl है इसमें। अब देखिए दो क्लोरो हैं, दो फिनाइल हैं, तीन क्लोरो हैं, तो डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन, दो कार्बन का मैक्सिमम एल्केन क्या होता है एथेन। डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन DDT इज ए कलरलेस टेस्टलेस एंड ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लोर ऑर्गेनो क्लोरीन नोन फॉर इट्स इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, यानी इट इज यूज्ड टू किल द इंसेक्टिसाइड्स एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स, और ये वातावरण पर भी अपना असर डालता है। नेम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन को IUPAC नेम क्या दिया गया है, 1.1.1 ट्राइक्लोरो 2.2 4 क्लोरो फिनाइल एथेन। अब आप ध्यान से समझना इसको, देखिए अभी मैंने बताया था CCl3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां से दो बेंजीन रिंग या क्लोरो बेंजीन के मॉलिक्यूल से जुड़ जाएंगे CL, ये भी CL हो जाएगा। तो अब कैसे बताएं, ये यहां पर देखो, इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, 1 कार्बन पर 3 Cl, तो क्या बताएंगे 1.1.1 ट्राई क्लोरो 2.2। जब एक जैसे दो ग्रुप होते हैं तो उनको कहते हैं बिस ट्रिस टेट्रा किस, ये कॉम्प्लेक्स जो साइड चेन होते हैं उनमें वर्ड आता है, वरना दो के लिए डाई भी आता है। तो यहां पर क्या आ गया 2.2, 2 पर ही ये ग्रुप है, 2 पर ही ये ग्रुप है, तो 2.2 बिस वाले दो एक जैसे क्या है, अगर इसकी नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 4 4 पर Cl, 4 क्लोरो फिनाइल, बिस का मतलब हो गया दो, 4 क्लोरो फिनाइल है, ये 4 क्लोरो फिनाइल है, ये भी 4 क्लोरो फिनाइल है, और एथेन हो जाएगा, दो कार्बन वाला क्या होता है एथेन, तो ये इसका नाम हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, अब देखिए 6 कार्बन यहां 6 कार्बन यहां, 12 हो गए कार्बन, और एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो 14 कार्बन हो गए, C14 H9 कैसे है, देखो एक एच यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन, इसमें
तो 8 और 1 9 9 हो गए हमारे हाइड्रोजन, और सीएल कितने 3, ये और चौथा 5 सीएल। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर देखते ही बता देंगे हम, ठीक है जी। मॉलिक्यूलर वेट, अब इनका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि सी का कितना लेंगे, सी का लेंगे हम 12, एच का लेंगे 1 और सीएल का लेंगे 35.5, तो इससे निकालेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना समझ में आए। स्ट्रक्चर देखिए, ये बना दिया उन्होंने, ये सी है तो सी से 3 सीएल जुड़ गए, ये सी एच है सी एच, और इससे 2-4 क्लोरोफिनाइल जुड़ गए, ये 4 क्लोरोफिनाइल है, ये भी 4 क्लोरोफिनाइल, ठीक है, जो अभी मैंने पहले बताया था। प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर होता है, एक सबस्टेंस होता है क्लोरल CCl3CH, इस पर क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। इस क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे रिएक्शन, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और जो अभी स्ट्रक्चर बताई थी वो स्ट्रक्चर बन जाती है, ये स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगी। आगे एक सीएल, ये एक सीएल, इस तरह से, और क्या निकल गया, एक एच यहां से दूसरे क्लोरोबेंजीन से भी एक एच यहां से हटा, एक एच यहां से, और इसका ओ हट गया, तो क्या निकल गया प्लस H2, और ये कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है जी, इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये बन गया आपकी डीडी सिंपल, इसका नाम है क्लोरा क्लोरा, और 2 मॉलिक्यूल ले लिया आपने क्लोरो बेंजीन। तो देखिए डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्लोरा CCl3CH2 एंड क्लोरो बेंजीन इन 1:2 रेशियो, यानी क्लोरल का तो 1 मॉलिक्यूल लेंगे और क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल, 1:2 रेशियो हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो अभी हमने बताया था, ये रहा जी, ये है क्लोरल, 1 क्लोरोबेंजीन इधर 1 क्लोरोबेंजीन इधर, इन जब को करेंगे तो देखो इसको ऐसा समझो, यहां से एच हट गया, एक एच यहां से, तो क्या होगा, ये एच यहां से हटेगा और वाटर मॉलिक्यूल यहां से होगा, इस तरह से ये आपका पूरा ई आ गया, ये H2O निकल जाएगा, तो इस तरह से आपका DDT बन जाती है, ये स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया। यूजेस क्या है, आप जानते हैं इंसेक्टिसाइड, इट इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड, यानी जो फसलों में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं उन्हें मारने में, पहले से मच्छर को मारने में भी यूज किया जाता था, लेकिन अब मच्छर इसके रेसिस्टेंट को सह लेते हैं, वो नहीं मरते अब, और दूसरा इसका साइड इफेक्ट भी ज्यादा है, तो बहुत से देशों ने इसे बैन कर रखा है, इट इज नॉट यूज नाउडेज पर्टिकुलरली फॉर मॉस्किटोज फ्लाइज यानी मक्खियां एंड क्रॉप पेस्ट, और फसलों पे जो कीटाणु या जीवाणु लग जाते हैं उन्हें मारने के लिए ये यूज होती है। इट वॉज इनिशियली यूज By the military in World War II to control malaria, typhus, body lice and bubonic plague. यानी plague, body में जो lices हो जाते हैं उन्हें मारने में, और typhoid और malaria में इसको रोकथाम के लिए इसका यूज किया जाता था। अब आते हैं हम saccharin पर। saccharin क्या है जी? ये आप अगर ऐसे देखें, saccharin की structure ये है। यहां पर आएगा SO2, ये आपका saccharin की स्ट्रक्चर है। आगे आप पढ़ेंगे saccharin बेंजोएट सल्फीमाइड, ये एमाइड तो होता है CONH2, ये सल्फीमाइड इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होते हैं, विच आर मैन मेड है, और आपके ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए
यूज किए जाते हैं, क्यों? इनमें कैलोरीफिक वैल्यू तो इनकी होती है जीरो, लेकिन टेस्ट इनका होता है स्वीट, मीठा टेस्ट होता है, तो इट इज आर्टिफिशियल स्वीटनर। सैक्रीन इज ए आर्टिफिशियल स्वीटनर, दे आर हाईली वाटर सोल्यूबल, 0.67 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी 0.67 ग्राम एक मिलीलीटर में सैक्रीन घुल जाती है। इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, सैक्रीन इज ए मॉलिक्यूल दैट हैज फाउंड एक्सटेंसिव यूज एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर बाय डायबिटिक पेशेंट्स इसका बहुत यूज करते हैं। क्यों? कि डायबिटिक पेशेंट्स को ग्लूकोज, सुक्रोज यानी चीनी, ग्लूकोज ये चीज नहीं खा सकते और उनको मीठे का मन कर रहा तो सैक्रीन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलोरीफिक वैल्यू बिल्कुल नहीं होती तो ये उनके शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता। नेम इज 2H1λ6 2-benzo-thiazole-1,1,3-trione। अब देखिए इसके यहां पर देखो, ये जो अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी ये है, तो अब ध्यान से समझना, 2H 2 पर H है, 1λ6 2-benzo-thiazole, बेंजो ये ग्रुप होता है, बेंजो थायो कहते हैं सल्फर को, थायोजोल 1-1-1-1-3। देखिए यहां से नंबरिंग किया तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1-1-1-1-3 इस पर एक डबल बॉन्ड ओ है और एक डबल बॉन्ड ओ यहां पर है और एक डबल बॉन्ड ओ यहां, ट्राइओन बन गया। और देखिए इसको देखिए, 2 पर H है, 2 पर यहां H है, ये रहा H, ठीक है जी, 1λ6 2, इसको आपने किया है 6-2 और बेंजोथायजोल, ये बेंजोथायजोल है, बेंजोथायजोल इस तरह से इसका नाम दिया जाता है। और अब देखिए इसमें कार्बन कितनी, फॉर्मूले से पता चला 6 कार्बन बेंजीन रिंग में है, एक कार्बन ये है, 7 हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, यहां कोई एक एक हाइड्रोजन है और 5 ये पांचवा हो गया, 5 हाइड्रोजन हो गए, 1 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, 1, 2 और 3 और 1 सल्फर है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आपको पता है तो उसमें गिन के आप बता सकते हैं, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं कैसे भाई, 7 4 84 + 5 + 40 + 48 + 30 32 और ये कितने हो गए 80 और ये हो गए 93 अच्छा हाँ ये हो गए 40 नहीं ये हो गए 103 तो ये हो गए 80 तो 183 आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। तो ये तो मॉलिक्यूलर मास निकालना तो बड़ा सिंपल है। अपीयरेंस व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखने में कैसी दिखाई देती है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। डेंसिटी 8-8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी पानी से हल्की है। स्ट्रक्चर ये आ गई थी स्ट्रक्चर, अब आप देखो मैंने बताया था ना ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये NH है, ये S डबल बॉन्ड हो और ये, और कैसे बनता है देखिए, ये भी आप देखिए, प्रिपरेशन सल्फोनेशन ऑफ टॉल्विन, आप टॉल्विन लें, ये है आपका टॉल्विन, ये CH3 यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, ये CH, दिस इज टॉल्विन, टॉल्विन इसका सल्फोनेशन करें क्लोरो सल्फोनिक एसिड से, SO3S, इसका नाम है क्लोरो सल्फोनिक एसिड। तो दो आइसोमर बनते हैं, एक ऑर्थो एंड पैरा, तो हम ऑर्थो आइसोमर को लेंगे, ऑर्थो आइसोमर क्या होगा, ये यहां CH3, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, तो यहां आ गया SO3H, ये SO3H आ गया, फिर इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराई, प्लस NH2 NH3,
माइनस एस, यहां एस सी एल निकल गया। कैसे? देखिए एच यहां से निकला और सी एल ये, तो एस सी एल निकल गया। अब यहां से क्या होगा, अमोनिया से रिएक्शन होगी, एच इसका ओ एच यहां से निकलेगा, तो अब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बन जाएगा जी, ये सी एस थ्री और ये एस ओ टू, टोलिन सल्फोनिमाइड, ऑर्थो टोलिन सल्फोनिमाइड बन गया। अब फिर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूट। अब जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम, ऑक्सीडेशन तो जो भी साइड चेन होती है जिसमें कार्बन होता है वो COH में बदल जाता है, तो ये बन गया, ये COOH आ जाएगा और ये आपका SO2 और NH2 आ जाएगा। अब क्या होगा जी, इसका O है तो इसका H निकल जाएगा, तो माइनस एच टू ओ और यही आपकी बन जाएगी जी सैक्रीन, ये आपकी सैक्रीन बन के तैयार। SO2 और NH ये होगी जी सैक्रीन, ये तो मैंने अब बताया। अब देखिए आप आगे आपको दिखाती हूं, यहां पर इसको हटा देते हैं, ये देखिए टॉलविन क्लोरोसल्फोनिक एसिड से रिएक्शन की, तो यहां पर इन्होंने ये ले दिया ऑर्थो टॉलविन सल्फोनिल क्लोराइड, इन्होंने क्या किया OH यहां से हटा के ये Cl आ गया, एक ही बात है, तो ये बन गया ऑर्थो टॉलविन सल्फोनिल क्लोराइड। अब यहां अमोनिया की रिएक्शन क्या है, जो H यहां से निकलेगा। अच्छा जो मैंने बताया था उसमें हमने यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकाला, ओ HCl निकाला था, यहाँ क्या निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, तो OH इसका और H यहाँ से ऑर्थो पोजीशन से यहाँ से, तो ये आपका ऑर्थो टॉलिन सल्फोनिल क्लोराइड बन गया। अब इसमें अगर अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो Cl इसका और H इसका, तो यहाँ माइनस HCl हो जाएगा, यहाँ माइनस HCl हो जाएगा, तो ये बन गया ऑर्थो टॉलिन सल्फोनिमाइड, ऑर्थो टॉलिन सल्फोनिमाइड। अब इसको ऑक्सीडाइज किया विद द हेल्प ऑफ एसिडिफाइड KNO4, एसिडिफाइड यानी KNO4 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, तो एसिडिफाइड होगा, एंड इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल ऑक्सीडाइज द CH3 ग्रुप इनटू COOH, और फिर हीट करेंगे तो OH इसका और H इसका निकल जाएगा और ये बन गया सैक्रीन। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड सैक्रीन, सो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टॉलविन, टॉलविन से स्टार्ट करके इसे हम आसानी से बना सकते हैं। टॉलविन लिया, क्लोरोसल्फोनिक एसिड लिया, इसमें दो तरीके, या तो आप यहां से HCl हटाएं या H2O निकाल दें, तो H2O निकलते ही ये सल्फोनिल ग्रुप आ गया, सल्फोनिल क्लोरो सल्फोनिल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे। अब अमोनिया से जब रिएक्शन कराई तो अमोनिया का एच और इसका सीएल हटा तो माइनस एच से, तो एनएच टू आ गया। ठीक है जी, अब वही एसिडिफाइड केएमएनओ फोर से यहाँ सी एच थ्री होता, सी टू एच फाइव, कोई भी साइड चेन है, बड़ी से बड़ी साइड चेन जिसमें कार्बन एटम होता है वो सीओ एच में ही बदलती है, ध्यान रखना, अगर दो सी एच थ्री होते तो दो जगह सीओ एच आ, और हीट करने पर ये हमारा वाटर निकल करके सैक्रीन बन जाती है। यूजेस क्या है, सैक्रीन इज एन आर्टिफिशियल और नॉन न्यूट्रिटिव, नॉन न्यूट्रिटिव का मतलब है इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है इसकी, यानी ये कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है, इसे एनर्जी नहीं मिलेगी आपको, मिठास तो महसूस होगा लेकिन जो कैलोरी बढ़ जाती है, जो आपके ब्लड में शुगर बढ़ जाता उसको नहीं बढ़ाने देगा, तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। स्वीटनर दैट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फूड्स एंड फर्मेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, और बहुत से हमारे दवाइयों में काम आने वाले बहुत से पदार्थों को बनाने में ये यूज होता है, इंक्लूडिंग बेक्ड फूड्स एंड जेम्स, तो जेम्स बनाने में, बेक्ड फूड बनाने में इनका काम, और सबसे बढ़िया तो इसका यूज है कोल्ड ड्रिंक्स, आपके जो आइसक्रीम बनाते हैं उसमें डालने में,
और कभी कभी जहां लार्ज स्केल पर आप कोई पानी, मीठा पानी या मीठा दूध वितरित करते उसमें चीनी की बजाय इसका यूज कर लेते, इट इज हंड्रेड्स टाइम्स, यानी ये लगभग लगभग किसी बुक्स में ये दे रखा 300 से 400, किसी में 550 गुना तक मीठा होता है सुक्रोज से। तो जहां एक किलो चीनी लगेगी, सॉरी एक किलो सैक्रीन, वो चार क्विंटल चीनी के बराबर है और इसकी कॉस्ट है बहुत कम, तो इसको कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए इसे यूज कर लिया जाता है। इट इज 300 to 400 टाइम्स एज स्वीट एज सुक्रोज बट हैज ए बिटर और मेटेलिक आफ्टर टेस्ट स्पेशली एट हाई। तो ये ज्यादा कंसंट्रेट कर दोगे तो ये कड़वा पल्ला देगी, वरना तो इसका टेस्ट मीठा होता जरा सी मात्रा में मिलाते। जहां अब देखिए 300 से 400 गुना, इसका मतलब क्या हुआ, जहां आपका आपने एक किलो सैक्रीन ली तो ये किसके बराबर है, 300 किलो चीनी के बराबर या 400 किलो, चार क्विंटल या तीन क्विंटल, तो इतना ज्यादा मीठी है कि चार क्विंटल चीनी या तीन क्विंटल चीनी के बराबर मीठी है, और तीन क्विंटल या चार क्विंटल चीनी का कॉस्ट बहुत ज्यादा है और इसका कॉस्ट बहुत कम होता है, एक किलो से ही काम चल गया, तो ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है। ठीक है जी। सैक्रीन इज यूज टू स्वीटन प्रोडक्ट्स सच एज ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में कैंडीज जो आपकी आइसक्रीम टाइप होती है, कुकीज एंड मेडिसिंस। इन इट्स एसिड फॉर्म सैक्रीन इज नॉट वाटर सॉल्युबल, अगर एसिड फॉर्म में है तो ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, इसको हम साल्ट के रूप में यूज करते हैं, एनीवे से रिएक्शन करा दो सोडियम साल्ट बन जाएगा, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। द फॉर्म यूज्ड एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर इज यूजुअली इट्स सोडियम साल्ट, भाई एनीवेज बेस है और ये एसिड है, तो दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा, साल्ट बन जाएगा, विच इज साल्ट साल्ट जनरली सॉल्युबल इन वाटर। चलिए जी, द कैल्शियम साल्ट इज ऑल्सो समटाइम्स यूज स्पेशली बाय पीपल रेस्ट्रिक्टिंग देयर डाइटरी सोडियम इंटेक। अब कैल्शियम साल्ट भी आप ले सकते हैं, क्यों, बहुत से व्यक्तियों के लिए नमक का परहेज होता है कि भाई नमक नहीं ले सकते आप, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और दूसरी तो जिनको सोडियम इंटेक सोडियम लेने के लिए मनाही है वो कैल्शियम साल्ट इसका यूज कर सकते। अब है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन में आप देखिए ये तो है बेंजीन, ठीक है, इसमें 3Cl2 की रिएक्शन करा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड सारे हट जाएंगे और हर जगह Cl आ जाएगा, इसका नाम है BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब देखिए बेंजीन में हर जगह यहां CH तो है ही है, हर जगह CH Cl और आ गया तो क्या फॉर्मूला हो गया जी, C तो 6 HB6 और CL6 C6H6 CL6, क्यों, जब क्लोरीन की रिएक्शन हुई थी तो कुछ हटा तो नहीं, बेंजीन ऑलरेडी क्या C6H6 है, 6Cl और जुड़ गए तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है जी। चलिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC एनी ऑफ सेवरल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, यानी हर बेंजीन के हर कार्बन पर एक Cl और जुड़ गया, H ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, Cl और जुड़ेगा कहां, पहले पर, दूसरे पर, तीसरे, चौथे पर, छठे पर, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सीन फॉर्म बाय द लाइट इंड्यूस्ड एडिशन ऑफ क्लोरीन टू बेंजीन। ठीक है जी। वन ऑफ दीज आइसोमर्स इज एन इंसेक्टिसाइड कॉल्ड इंडेन और गेमेक्सीन, इसका एक नाम इंडेन भी है, ये आपका कहते हैं ना जैसे कमर्शियल नेम हो गया, कमर्शियल नेम के आधार पर इंडेन नाम से ये
मार्केट में बिकती है, या गैमेक्सिन कहते हैं ना, गैमेक्सिन पाउडर दे दो जी, तो वो भी बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बीएचसी, गैमेक्सिन, लिंडेन, और ये कौन नाम है, 666, 666, क्योंकि हर चीज इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है और क्लोरीन भी 6 है, तो इसको 666 भी कहते हैं, 666, ठीक है, 666, ये कार्बन 6, ये हाइड्रोजन 6 और ये क्लोरीन 6 के लिए आता है, इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6CH6, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड और 666 आ गया ना, 666 भी कहते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल ही देंगे, अपने आप आ जाएगा जी, फिर आता है डेंसिटी इज 1.89 at 66 degree Fahrenheit, नॉट एट डिग्री, तो आप अगर आप जानते होंगे, मैं आपको बता दूं 66 डिग्री फारेनहाइट को अगर हम सेल्सियस में चेंज करें तो कितना आएगा, देखना जरा कैसे निकलता है जी, C/5 = F-32/9, ऐसे निकलता है, तो आपको बता रहा हूं, 11th क्लास में बताते थे, C/5 = F की वैल्यू 66 - 32/9। लगभग यहाँ एक होता तो 19 आ जाता, तो लगभग 19 डिग्री सेल्सियस लगभग में आ गया, तो इसका जो डेंसिटी है वो लगभग 19 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस पर कितनी है 1.89 ग्राम पर मिलीलीटर, यहाँ पे ग्राम पर मिलीलीटर और आप लिख लें, ठीक है जी, चलिए मेल्टिंग पॉइंट इज 113 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्योंकि सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट होगा 113 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 323 डिग्री सेल्सियस, स्ट्रक्चर देखो, आइए हर यहां हर कोने पे CH, 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 6 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन, 6 CH, प्रिपरेशन बेंजीन पर क्लोरीन की रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देखिए सनलाइट में क्या हुआ, एडिशन रिएक्शन होगी और जो डबल बॉन्ड इसमें थे 3 वो बॉन्ड हट गए, या ये जो आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो हट गया और हर जगह, अब ये सीएल होती तो साइक्लोहेक्सेन थी, अब एक साइक्लोहेक्सेन का एक एच हटा के एक सीएल और एक सीएच CH, 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 ठीक है जी, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, और आपका यूजेस बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज यूज एज एन इंसेक्टिसाइड ऑन क्रॉप्स, फसलों पर इसका यूज होता है एज एन इंसेक्टिसाइड, इन फॉरेस्ट्री फॉर सीड ट्रीटमेंट, और सीड ट्रीटमेंट यानी बीजों की सुरक्षा करने के लिए उन पर भी ये छिड़की जा सकती है, जिससे बीज आपके सुरक्षित रहेंगे, उनमें कोई जीवाणु नहीं लगेगा, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेड एंड बॉडी लेस, हमारे सिर में जो जू हो जाती है, बॉडी में भी बहुत से पशुओं के हो जाती है, उनके रिमूवल के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए ये यूज होती है, इट इज यूज इन फार्मास्यूटिकल्स, यानी इसका दवाइयों में भी महत्वपूर्ण योगदान है, इट इज यूज टू ट्रीट स्केबीज, जो खुजली होती है शरीर में, खुजली हो जाती है उसको भी ये दूर करने में काम आती है, इट इज यूज इन शैम्पू, कहते हैं ना वैसे तो ये जहरीला पदार्थ है लेकिन थोड़ी मात्रा में जहर भी दवा का काम करता है, तो वो इस तरह से इसको आप कह सकते हैं शैम्पू में डाल दी जाती है, कहते हैं ना भाई शैम्पू ऐसा
इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टी है उसमें शैम्पू में, तो लेडीज अपने बालों को धोती हैं तो अगर उसमें थोड़ा सा इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टीज होगी तो अगर जू है उनके शरीर में तो वो आसानी से मर जाएंगे। क्लोरा भी, क्लोरा और एमीन, एमीन कहते हैं अमोनिया को, और सीएल आ गया तो अमोनिया का एक एच आ जाएगा, CLNH2 कह दो और NH2Cl एक ही बात, इसका नाम है क्लोरा और मीन, मीन माने अमोनिया, क्लोरा भी। क्लोरामीन, मोनोक्लोरामीन, मोनो माने एक, एक सीएल है, ऑफन कॉल्ड सिंपली क्लोरामीन इज द केमिकल कंपाउंड विद द फॉर्मूला NH2Cl टुगेदर विद डाइक्लोरामीन, डाइक्लोरामीन क्या हो जाएगा NH2Cl हो गए, अमोनिया के एच हटा के सीएल आते जाओ, अगर एक एच हटाए तो एक सीएल आएगा, दो एच हटाए तो दो सी एल आएंगे, तीन एच हटाए तो NCl3 हो जाएगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड हो जाएगा, डाइक्लोरामीन NaCl2 एंड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3, इट इज वन ऑफ द थ्री क्लोरामीन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का एक एक एच हटा के एक एक सी एल बढ़ाते जाओ तो मोनोक्लोरामीन, डाइक्लोरामीन और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड तीनों के तीनों एच हटके सीएल आ गए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज NH2Cl, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 14 और 2 16 और ये 35 तो 0.5 तो 51.5 के आसपास 51.4 से भाई सीएल का आपने इतना लिया तो 51.476 या 51.5 भी लिख सकते हैं ग्राम पर मोल। एपीरेंस कलरलेस गैस है, अमोनिया गैस है, इसमें क्लोरीन आ गई तो ये क्लोरामीन, ये भी आपके रूम टेम्परेचर का गैस है। मेल्टिंग पॉइंट -66 डिग्री सेल्सियस और -80 डिग्री फारेनहाइट और ये हो गया केल्विन में, अलग अलग तरह से आप कर देंगे। ये होगी इसकी स्ट्रक्चर, N2H और 1Cl जुड़ा हुआ है। प्रिपेरेशन कैसे बनाया जाएगा क्लोरामीन को, आप देखिए अगर आपने अमोनिया पर इस पर क्लोरीन की रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा NH2Cl और प्लस HCl निकल जाएगा, हो जाएगा क्या नहीं, कैसे बनता है जी ध्यान से देखें, इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन क्लोरामीन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है NaOCl को सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं और इसकी अगर अमोनिया से रिएक्शन करा दी तो क्या बन जाएगा NH2Cl बनेगा प्लस, आप देखिए यहां पर NaOH बन जाएगा NH2Cl प्लस NaOH ये बन जाएगा, ये Cl हट गया H यहां जाकर जुड़ जाएगा तो इस तरह से ये आपका बन जाता है। ये इन्होंने ये तो मैंने बताया था, ये इन्होंने बता दिया ये NH3 प्लस NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और ये बन गया जी आपका क्लोरामीन और कास्टिक सोडा, इसको कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया जी। अब आपके गैसियस क्लोरामीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ गैसियस अमोनिया विद क्लोरीन गैस डाइल्यूटेड विद नाइट्रोजन, जो मैंने आपको रिएक्शन कराई थी 2NH3 प्लस 2 सॉरी 2NH3 प्लस Cl2 इज इक्वल टू NH2Cl प्लस NH4Cl तो इसका नाम तो हो गया क्लोरामीन
और ये है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। तो गैसियस फॉर्म में अगर बनानी हो तो इस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों मेथड एक जैसे। प्योर क्लोरामीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग फ्लोरामीन थ्रू कैल्शियम क्लोराइड। अब फ्लोरामीन क्या होगा, ये हो गया NH2F प्लस कैल्शियम क्लोराइड CaCl। तो ये भी हमें दो लेने पड़ेंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 2NH2Cl प्लस CaF CF निकल जाएगा, डबल डिकम्पोजिशन हो गया, 2NH2F प्लस CaCl2 इक्वल 2NH2F प्लस CaCl2 इक्वल टू 2NH2Cl प्लस CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। ये आपका बन गया। यूजेस, यूजेस क्या है जी, क्लोरामीन इज यूज एज एन इन डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर। डिसइंफेक्टेंट समझते हो, डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है जनरली दे किल द जर्म्स फाउंड इन वाटर और इन फ्लोर और बाथरूम्स। यानी डिसइंफेक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू किल द जर्म्स फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स में जो पाए जाते हैं उनको। और अगर वो ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स में यूज हो तो उन्हें कहते हैं एंटीसेप्टिक। तो दोनों का ये डिफरेंस है कि डिसइंफेक्टेंट्स आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स पे यूज होते हैं और एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड ऑन लिविंग थिंग्स। इट इज लेस एग्रेसिव देन क्लोरीन एंड मोर स्टेबल अगेंस्ट लाइट देन हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड कौन सा होता है, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड लिखा था हमने, ये इनसे आपका ज्यादा स्टेबल होते हैं क्लोरामीन। क्लोरामीन इज कॉमनली यूज्ड इन लो कंसंट्रेशन एज ए सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट इन म्युनिसिपल वाटर। आप देखते होंगे बरसात के दिनों में जो हमारा वाटर है म्युनिसिपल वाटर जो टंकियों से आता है उसमें कुछ जीवाणु हो जाते हैं तो उन्हें मारने के लिए क्लोरामीन मिला दी जाती है। और जब आप पीते हो कभी कभी देखा होगा उसमें क्लोरीन की सी स्मेल आती है, तो इसी के कारण आती है, वो इसी के कारण आती है कि उसमें ये हम क्लोरामीन में। क्लोरामीन इज कॉमनली यूज इन लो कंसेंट यानी बहुत कम मात्रा में लो कंसेंट्रेशन एज ए सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट इन म्युनिसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एज एन अल्टरनेटिव टू क्लोरीनेशन। यानी पहले हम ब्लीचिंग पाउडर मिलाते थे उससे डायरेक्ट क्लोरीन निकलती थी, अब हम क्लोरामीन यूज करने लगे। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। जब ये पानी से रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, CaOH2S और प्लस Cl2 निकलता है, तो ये क्लोरीनेशन हो जाता था वाटर का और जर्म्स को ये क्लोरीन मार देती थी। अब इसका यूज होने लगा बस इतना। दिस एप्लीकेशन इज इंक्रीजिंग क्लोरीन रेफर टू इन वाटर ट्रीटमेंट एज फ्री क्लोरीन इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय क्लोरामीन। यानी जब हम क्लोरीन का यूज कर रहे थे अब क्लोरीन की जगह हम क्लोरामीन का यूज करने लगे क्योंकि इट इज फार बेटर देन डायरेक्ट क्लोरीन। स्पेसिफिक कौन सा, मोनोक्लोरामीन विच इज मच मोर स्टेबल एंड डज नॉट डिसिपेट एज रैपिडली एज फ्री क्लोरीन। भाई फ्री क्लोरीन न घुलेगी तो बाकी बाहर निकल जाएगी, तो ये गायब नहीं होता, पानी में रहता है तो असर काफी समय तक इसका रहता है। क्लोरामीन ऑल्सो हैज ए मच लोअर बट स्टिल एक्टिव टेंडेंसी देन
फ्री क्लोरीन टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक मेटीरियल इनटू क्लोरोकार्बन सच एज क्लोरोफॉर्म इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लोरोफॉर्म क्या है? CHCl3 ट्राई क्लोरो मेथिन। ब्रोमोफॉर्म क्या होता है? ट्राई ब्रोमो एथीन। हाइड्रोफॉर्म क्या होता है? CHI3 वो CHBr3। ये ब्रोमोफॉर्म हो गया, ये हाइड्रोफॉर्म CHI3 ठीक है जी। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या हो गया? CCl4। ये आपके ऑर्गेनिक मेटेरियल इनटू क्लोरो कार्बन सच एज क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आज हमने आपको इन चीजों को अच्छी तरह से समझाया है। अगर आपको कोई भी कभी दिक्कत आए तो ये जरूर पूछें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमने आपको बताया है। इनके बारे में कभी कोई दिक्कत हो तो कभी भी आप फोन करके भी पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज विद यू। ध्यान रखना है आपको कि इसको अच्छी तरह से आप पढ़ें। आपको हमने क्या क्या बता दिया जी, ध्यान से समझ। देखिए क्या क्या करा दिया हमने, DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, सैक्रीन आपको करा दिया विच इज, देखिए इसमें ये इंसेक्टिसाइड है, ये भी इंसेक्टिसाइड है और ये भी जर्मिसाइड मान सकते हैं। केवल ये आपका है विच इज यूज्ड एज ए सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट, जो चीजों को मीठा करने में यूज होता है, एंड इट इज जनरली यूज्ड बाय द डायबिटिक पेशेंट्स। तो तीन तो आपके थे इंसेक्टिसाइड और एक है आपका स्वीटनिंग एजेंट, और ये चारों के चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको अच्छी तरह से करेंगे तो आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। इनको क्या क्या करें मैं आपको बता रहा हूं। इन सब की एक छोटी सी बुकलेट बना लो, जो नई नई चीज बताई जाए उनके फॉर्मूले आप आसानी से उन नोटबुक में नोट कर लीजिए। जब भी कभी देखेंगे आप, मान लो भूल गया तो तुरंत उस नोट, और जिम में रखो या अपने कहीं ऐसी जगह रख दो जहां से इजीली अवेलेबल हो। तो नए नए जितने भी टॉपिक है और जिनके फॉर्मूले आपको याद नहीं है, उनको उस छोटी सी बुकलेट में आप नोट कर लिया करें, और जब कभी भूल जाए फिर देख लो, दो तीन बार देखने पर ये सब कुछ आपको ऐसे याद हो जाएगा जैसे पहले से याद, ठीक है जी। ये DDT का फॉर्मूला है, सैक्रीन का हमने ये बताया था, सैक्रीन का हमने ये बताया था, ये सैक्रीन का बता दिया था, फिर BHC का ये बता दिया। सब के सब एक साथ आपके लिखे होंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। सॉरी ये नहीं होता, बेंजीन रिंग नहीं होती उसमें, साइक्लोहेक्सीन होता है और हर साइक्लोहेक्सीन का एक एच हटा के यहाँ CH2 हो जाता है। दिस इज BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, यहाँ हर जगह CH है, CHCl। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाता है जी, ये हो गया BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, या C6H6Cl6 और लिंडेन इसका कमर्शियल नेम है, ये मार्केट में लिंडेन के नाम से या गेमेक्सिन के नाम से देखा जाता है, गेमेक्सिन लिंडेन और गेमेक्सिन। BHC कम जानते हैं, लिंडेन या गेमेक्सिन ज्यादा जानते हैं, और 666 क्योंकि हर चीज इसमें छह छह है, तो इसको इस तरह से। और चौथा क्या था, क्लोर एमी, दिस इज क्लोर एमी, एक क्लोरीन है और नहीं तो ये अमोनिया था, अमोनिया का एच हटके दिया। तो इन चारों को अपनी बुकलेट में आप जब लिख लेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, कभी भूल जाओ फिर देख लो।
मॉलिक्यूलर मास निकालना, कोई रटने की जरूरत नहीं, अपने आप निकल जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह से और सबके यूजेज आपको अच्छी तरह से पता चल गए, तो इनको कभी नहीं भूलेंगे, बहुत काम आने वाली चीजें हैं और जीवन में यानी डेली यूज की चीजें हैं ये। जैसे आपने सुना होगा आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, या आपने एक पढ़ा होगा नौसादा। नौसादा क्या होता है, मान लीजिए रात को आपको गैस बन रही है, पेट में गैस बन रही है, तो NH4Cl को हम नौसादा कहते हैं और उसको पानी में डाल के पी लीजिए, जैसे इनो पीते ना ऐसे आपको डकार आने लगे। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी रसोई में होती हैं और उनके बारे में हम कम जानते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एसिडिटी को भी दूर करता है, जो खट्टी डकार आ रही है थोड़ा सा पानी लेके पानी में घोल के पी जाइए। तो बहुत सी ऐसी चीजें जब तक आपके पास मेडिसन नहीं है तो देसी नुस्खे करके आप यूज करके अपना फायदा ले सकते हैं। तो इसमें जो भी कभी मैं आपको बता रहा हूं, जब भी कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछें, बिकॉज वी आर ऑलवेज विद यू एंड दीज टॉपिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमिस्टर टेस्ट एंड इन डेली यूजेस, दीज आर ऑल्सो यूजफुल इन डेली यूजेस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन टू लिसन मी पेशेंट। थैंक यू।